बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कुक विद मैडम में वेलकम। आज मैंने चार तरह के पकोड़े तैयार किए हैं जो बहुत जल्दी और बहुत मज़े के बनते हैं। आपने मेरी वीडियो तो शुरू से एंड तक देखनी है कि मैंने किस तरह तैयार किए हैं, और रमज़ान स्पेशल में आपने ज़रूर बनाने हैं और मुझे बताना है कि कैसे बने हैं। तो चले फिर हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चले फिर हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बेसन लिया है मैंने 1 कप, और इसमें सबसे पहले जो चीज़ डालेंगे वो हम मिर्चें डालेंगे कूटी हुई 1 टीस्पून, और ये कुछ और चीज़ें हैं, नमक है 1 टीस्पून या हसबे जायका, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1/4 अजवाइन, और 1/4 से भी थोड़ा 2 चुटकी ही समझ ले ये है बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून चाट मसाला, ये चला जाएगा। इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। एक ही बैटर से हम कई तरह के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। मेरे पास बैंगन नहीं था तो बैंगन भी इसी बैटर में तैयार हो जाएगा। आलू हैं, प्याज है और पालक। पालक मेरे अपने घर की है और मैंने अपनी मर्ज़ी के एक जैसे पत्ते उतार लिए हैं, और 3 तरह के ये पकोड़े हो जाएंगे और ये मिक्स पकोड़े होंगे। इसको हम बैटर को तैयार कर लेंगे। रमज़ान के लिए स्पेशल पकोड़े आप बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। एक ही बैटर से ये सारे तैयार हो जाएंगे, और किसी को आलू के पसंद होते हैं, किसी को मिक्स पकोड़े पसंद हैं, और कोई प्याज और कोई पालक, इसी तरह सारे थोड़े थोड़े बना लें, वैरायटी भी हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगा, खाने वाले भी खुश हो जाएंगे, और वो थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं बनाने वरना फिर ज़ाया जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह हमारा बैटर तैयार हो गया। इस तरह हम एक एक करके लगाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। आलू के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, ये हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें पालक के पकोड़े बनाएंगे। देखें, एक पत्ता पकड़ेंगे, इसको दोनों तरफ से इस तरह ये बैटर लगाते जाएंगे, और आंच थोड़ी स्लो कर लेंगे। पालक के पकौड़े रेडी हो चुके हैं, ये निकाल लेंगे। अब ये प्याज के पकौड़े, इसको थोड़ा सा मैंने गाढ़ा कर लिया है प्याजों की वजह से, क्योंकि प्याजों के ऊपर वो फिसल जाता है ज़्यादा पतला हो तो। ज़रा सा मैंने और इसमें डाला था बेसन। ऑनियन रिंग्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं, ये भी हम निकाल लेंगे।
अब हम जो मिक्स पकोड़े हैं वो बनाएंगे, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। अच्छा, जो हमने ये वाले पकोड़े बनाने हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, तो उसके लिए मैंने अभी 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने ये देखे थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये पालक है, 2 टेबलस्पून आलू हैं लंबे लंबे कटे हुए, 2 टेबलस्पून से थोड़े ज़्यादा प्याज हैं, और थोड़ा सा धनिया और एक सब्ज़ मिर्च है। ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, और ये कुछ स्पाइसेस हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटी मिर्च है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी अजवाइन और 1 टीस्पून सूखा धनिया और 2 चुटकी बेकिंग सोडा। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत सब्जियों के अंदर पानी है वो हमें पता चल जाए कि इसमें कितना ज़रूरत है पानी का जो हम डालेंगे। इसको अच्छे से हमने पहले ऐसे मिक्स कर लिया। अब थोड़ा ही पानी इसमें डलेगा, बहुत थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। बेसन मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बेसन अगर हम डालेंगे ज़्यादा तो ये नरम बनेंगे। अगर हम बेसन इसमें थोड़ा रखेंगे, इतना ही डालेंगे कि ये सब्जियां हमारी जुड़ जाएं आपस में, और मिक्स करना इसको अच्छे से ज़रूरी है हाथों से। थोड़ा सा 2 बूंदे डालूंगी बस। अब ये मैं हाथों की मदद से ही इसमें पकौड़े शामिल करूंगी, चम्मच से नहीं डालूंगी, इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 तरह के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने भी बहुत मज़े के होंगे। आपने ज़रूर इनको बनाना है, और रमज़ान में आपने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआएं करनी है। मैं भी सबके लिए दुआ करूंगी। अल्लाह हाफिज़।